रिपोर्ट। सबसे पहले समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दे रहा हूं कि हम एक आज़ाद भारत में और आज़ाद तरीके से रह रहे हैं और ये आज़ादी हमेशा इसी तरह बरकरार रहे, हमारे देश के आन बान शान पे कोई आँच ना आने पाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। और हमारी मूवी फ्राड नगर कंटिन्यू शूट चल रहा है और हम लोग, हमारी पूरी टीम, हम ज्ञान जी, राम जी और आप भी सारे लोग बड़े तन मन धन से मेहनत से लगे हुए हैं। इस मूवी को बहुत जल्दी हम लोग सोच रहे हैं कि दर्शकों के बीच आ जाए, इसके लिए हम लोग रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं। और फुल कॉमेडी मूवी है, इसके गाने भी सब कुछ जो है कॉमेडी है, लोगों को पूरा हंसाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए सभी फौजियों को सल्यूट है, वो लोगों के मतलब पौरुष के बूते, उनके पुरुषार्थ के बूते ही पूरा देश सुरक्षित रहता है, तो इसलिए मेरा सभी फौजियों को सलाम है। ये भाई हमारा छोटा है लेकिन इसको भी सलूट है, देश की रक्षा में ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं जी। रियल हीरो को हम लोग रील में ला रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो है अच्छा से सुपरस्टार बने, भगवान इनको आशीर्वाद दें, आप लोगों का प्यार दुलार सबका आशीर्वाद मिले। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जैसा हमारे बड़े भाई बताएं कि आज़ादी के दिन हम लोगों ने आज झंडारोहण करके और फिल्म शुरू कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। और ये हमारी फिल्म बहुत अच्छी है, दर्शकों को हम बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट देंगे। रियल लाइफ से और रियल लाइफ से लेके हमारे ये बड़े भैया हैं और ये भी हमारे बड़े भैया हैं, तो इन्होंने हमें बहुत उत्साहित किया और मेरे हुनर के देखते हुए बोले कि राम आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो और यहाँ भी आप जैसे आपको टाइम मिलता है यहाँ भी दीजिए और ये आप बहुत अच्छा काम करेंगे और आपकी जो अंदर हुनर है, जो चीज़ें हमें दिखती है, वो चीज़ें आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। आप फौज में भी हैं तो कैसे समय मैनेज कर पाएंगे फिल्म और फौज? सर मैनेज करता हूँ, जैसे मैं अपनी थोड़ा सा उधर से समय कवर करके जैसे भी टाइम मिलता है, और टाइम मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, जैसे पार्टिकुलर पूरी टाइम मिलती है तो छुट्टी से मैं तुरंत यहीं आता हूँ, सेट पर आता हूँ और हम अपनी प्लानिंग पहले से किए हुए रहते हैं कि भाई यहाँ पे चल के ऐसे ऐसे इस टाइम में हमें पूरा करना है और उसी टाइम के दौरान हमने आज दो फिल्म किया है और ये तीसरी फिल्म करने जा रहा हूँ। छुट्टी पूरा होते ही फिर ड्यूटी पे? फिर ड्यूटी पे, जैसे हमारी छुट्टी ख़त्म होती है फिर मैं पहुँच जाता हूँ, अपने उस भेस में आ जाता हूँ। हम लोग आज़ादी के दिन आज झंडा रोहण करके बैठने का मूड था, फिर हुआ कि नहीं, जब आज़ाद हैं तो पिक्चर ही करते हैं, तो अभी सेट लग रहा है, हम लोग थोड़ी देर में शूट करेंगे। ये मान लो आर्मी जवान तो ज़रूर हैं मगर इनकी ज़िंदगी के जो चीज़ें हैं वो रियल में इनको एक्टर है, ये बहुत दिनों से मैं जानता हूँ इनको, इनका सारा मन इसी एक्टिंग लाइन में है। लीजिए आर्मी के जवान हैं ये बहुत बड़ी बात है, अगर इनका सारा दिमाग एक्टिंग में ही चलता है, 24 घंटा कुछ ना कुछ डायलॉग मारते रहते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए युवाओं के आजमाया जाए, देखें कैसे करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम देशवासियों से यही कहें कि आज़ादी के दिन सब लोग खुशियां मनाएं और जिस तरह से हम लोग आज़ादी मनाकर और अपना काम कर रहे हैं वो लोग भी अपना काम आज़ादी के साथ करें और सच्चे देशभक्त और सच्चे देशभक्त।
मैं देशवासियों को यही मैसेज करना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप मेहनत करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, और देश के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे, अपने आप में जान रहेगी, तो आपको देशवासियों के ही जान आप ला सकते हैं। अगर खुद के पैरों में जान रहेगा तभी हम किसी को उठा के चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये बात है। और एक फौजी आदमी की दुनिया अलग होती है। मैं देशवासियों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि फौजी आदमी को बहुत ज़्यादा जहाँ से भी हो सके वो इज्जत के तत्पर हैं और उन्हें इज्जत दें, क्योंकि वो उनकी लाइफ और हमारी लाइफ से बहुत दुनिया ही। अगर मैं फ़ौज के बारे में बताऊँ तो फौज एक दुनिया है जो अलग है, हमसे कई गुना हट के वो लोग जीते हैं। तो उनको हमारा पूरा यही जहाँ तक बनता है, मैं देशवासियों से यही बोलूँगा कि भाई फौजी आदमी जहाँ भी दिखे तो उसे रिस्पेक्ट दिया जाए। हम अपने देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो आदमी जहाँ है अपने तरीके से देश की सेवा करे, देश के प्रति ईमानदार रहे, हर संभव देशवासियों की मदद करे, जो जिस रूप में सक्षम है उस रूप में अपने अगल बगल आस पड़ोस पास पड़ोस सबकी मदद करिए और सबको ईमानदार बनने की सलाह दीजिए। जब हम ईमानदार रहेंगे तो हमारे देश की छवि अच्छी रहेगी और हमारा देश तरक्की करेगा।